हेलो दोस्तों, फॉरेक्स तमिल में आपका स्वागत है। पहला वीडियो पर हमने मेजर करेंसीज के बारे में देखा था फॉरेक्स मार्केट में, तो आज हम देखने वाले हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के सेशंस के बारे में और कौन सा दिन और कब टाइम है बेस्ट टाइम टू ट्रेड करने के लिए। पहला फॉरेक्स ट्रेडिंग सेशंस के बारे में देखते हैं। फॉरेक्स मार्केट में चार ट्रेडिंग सेशंस है। पहला है सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन मतलब एशियन सेक्शन कहते हैं, और लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। ये चार ट्रेडिंग सेशन। इसमें लंदन सेशन ही है बहुत वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन, और बहुत ट्रांजेक्शन्स और बहुत मार्केट बहुत वॉलेटाइल होगा ये लंदन सेशन पर, क्योंकि बहुत सेंट्रल बैंक्स मेजर इंस्टीट्यूशन सब लंदन में प्लेस्ड है, तो इसके लिए तो लंदन सेशन बहुत वॉलेटाइल है मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में दो सीजन्स होते हैं, पहले है समर सीजन और विंटर सीजन। तो समर मतलब अप्रैल टू अक्टूबर तक, तो इसमें हम देखते हैं कि उसका टाइम क्या है करके। लेकिन दोनों सीजन में टाइम वेरी होगा, क्योंकि टाइम और डे लाइट सेविंग्स के लिए तो उसका टाइम क्या और मंथ को कैलकुलेट करेंगे तो दोनों सीजन में टाइम वेरी होगा। पहला है समर सीजन, तो इसमें सिडनी का ओपन टाइम है 5 PM और क्लोज टाइम है 2 AM। ईडीटी मतलब ईस्टर्न डे लाइट टाइम इसको कहते हैं, तो ये ईस्टर्न डे लाइट टाइमिंग पर इसमें कैलकुलेट किया है। और नेक्स्ट है टोक्यो सेशन, इसका ओपन टाइम 8 PM और क्लोज टाइम 5 AM। लंदन सेशन का 3 AM ओपन टाइम और 11 AM क्लोज टाइम। न्यूयॉर्क सेशन का 8 AM ओपन टाइम और 5 PM क्लोज टाइम। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि विंटर सीजन का टाइम जोन। विंटर सीजन मतलब नवंबर टू मार्च तक, इसमें ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम में लिखा है। पहला जो है सिडनी, इसका ओपन टाइम 3 PM और क्लोज टाइम 12 AM। टोक्यो का ओपन टाइम 7 PM और क्लोज टाइम 4 AM। लंदन सेशन का ओपन टाइम 3 AM और क्लोज टाइम 11 AM। न्यूयॉर्क सेशन का ओपन टाइम 3 AM क्लोज टाइम 5 PM। तो अगर आप दोनों सीजन्स में कंपेयर करेंगे तो ये विंटर सीजन एक्चुअली 1 आवर डिले है, अगर आप नोटिस किया तो। और दूसरा चीज है कि आपको अगर आप गूगल में फॉरेक्स मार्केट टाइम जोन टाइप करें तो आपको पहला फ्यू लिंक्स में आपको ओपन करें तो आपको उसमें आपके टाइम जोन में डाल सकते हैं, तो आपके टाइम जोन से अलावा वो आपको दिखाई देगा एक एक सेशन का ओपन और क्लोज टाइम। चलो हम देखते हैं कि बेस्ट सेशंस टू ट्रेड क्या होता है फॉरेक्स में। तो बेस्ट सेशन होता है लंदन सेशन। लंदन सेशन ही तो सबसे बहुत अच्छा सेशन ट्रेड करने के लिए, क्योंकि बहुत सेंट्रल बैंक्स इंस्टीट्यूशंस ट्रेडर्स वगैरह सब लंदन में होगा, क्योंकि इसके लिए तो लंदन सेशन ही है अच्छा सेशन है ट्रेड करने के लिए। तो अगर आप पोजीशन ट्रेडर है नहीं तो स्विंग ट्रेडर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी सेशन से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो डे ट्रेडर से तो आप लंदन सेशन ही को ट्रेड करना पड़ेगा, यही है सबसे अच्छा सेशन है, क्योंकि इसमें बहुत वॉलेटिलिटी होगा और ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा। और अगर आप मोर प्रिसाइस में कहेंगे तो लंदन और न्यूयॉर्क का ओवरलैपिंग सेशन, यही है सबसे अच्छा सेशन। और आप सबसे शॉर्ट टर्म में आपको ट्रेड करना चाहते हैं तो आप लंदन और न्यूयॉर्क का ओवरलैपिंग सेशन में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लोग ट्रेड करेंगे और न्यूयॉर्क सेशन भी ओपन होगा, तो इसके लिए दोनों को ओवरलैपिंग सेशन में आपको ट्रेड करना चाहिए। चलो हम देखते हैं कि ये जीएमटी में, चलो हम ये चार सेशंस को हम जीएमटी टाइम में हम देखेंगे। पहला जो है सिडनी, वो 9 PM को ओपन होगा, और उसके बाद आएगा टोक्यो, और उसके बाद लंदन सेशन आएगा, और उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन। जो मैंने आपको बोला था कि इसका ओवरलैपिंग सेशन ही को बहुत वॉलेटाइल होगा, जैसे कि टोक्यो और लंदन का ओवरलैपिंग सेशन है इसमें बहुत वॉलेटाइल होगा, यही जैसा कि लंदन और न्यूयॉर्क का ओवरलैपिंग सेशन, यही टाइम पर बहुत वॉलेटिलिटी होगा मार्केट, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ट्रेड करेंगे यही टाइम पर। और दूसरा है कि अगर आप ब्रेकआउट नहीं तो ट्रेंड्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो लंदन ही तो आप ट्रेड करना पड़ेगा, और बहुत इन दोनों में बहुत वॉलेटिलिटी ज्यादा होगा और ट्रांजेक्शन का भी बहुत ज्यादा होगा ये लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में। चलो हम ग्राफ में देखेंगे, ये सोर्स में एक्चुअली ओवांडा एक फाइनेंशियल ब्रोकिंग कंपनी है, उसमें मैंने लिखा था। ये लाइव फीड है चार ट्रेडिंग सेशंस का, आपको देख सकते हैं। अगर आप इसमें कहेंगे तो लंदन का ओपन देखो,
और लंदन का क्लोज देखो, यही है सबसे ज्यादा लोग ट्रेड करेंगे। अगर आप ये ग्राफ देखेंगे तो बहुत वॉलेटिलिटी होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग यही टाइम पर ट्रेड करेंगे। या दूसरा है कि इसका ओवरलैपिंग सेशन में बहुत ज्यादा होगा। अगर आप दूसरा सेशन में देखो, बहुत मार्केट उतना वॉलेटिलिटी नहीं होगा, लेकिन इसमें देखो कि बहुत वॉलेटिलिटी होगा। अगर आप डे ट्रेडर है, अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाहते हैं, तो लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में आपको ट्रेड करना पड़ेगा। चलो हम देखते हैं कि एवरेज पिप मूवमेंट का मेजर करेंसी में, इसमें मैंने एक्चुअली तीन सेशंस को मैंने लिया है, टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क। अगर आप इसमें देखेंगे तो लंदन सेशन ही तो बहुत ज्यादा पिप मूवमेंट है। अब देखेंगे तो 114, 127, 66, 83 सबसे ज्यादा पिप मूवमेंट पर लंदन सेशन पर है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग लंदन सेशन में ट्रेड करेंगे। अगर आप स्मॉल ट्रेडिंग, स्मॉल टाइम फ्रेम में आपको बहुत ज्यादा पिप्स होगा लंदन से, बाकी टोक्यो और न्यूयॉर्क कंपेयर करेंगे तो उसमें कम है। ये सबसे टॉप ट्रेडिंग करेंसी पैस, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग करेंसी, जैसे कि यूरो यूएसडी के लिए 104 है, जीबीपी यूएसडी के लिए 127, यूएसडी जेपीवाई तो 66, एयूडी यूएसडी 83, तो ऐसे जा रहा है। तो कौन सा है बेस्ट डे से ट्रेड करने के लिए, कौन सा दिन है बहुत अच्छा दिन? तो अगर इसमें देखेंगे तो 7 डे से वीक है, इसमें हम 5 दिन ही हम ट्रेड कर सकते हैं, और उसमें हम 24 आवर्स है ये मार्केट। तो इसमें देखेंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यही है सबसे अच्छा दिन है ट्रेड करने के लिए। ये 3 दिन है अच्छा ट्रेड करने का दिन है, क्योंकि मंडे सेशन में बहुत ट्रेडर्स लोग मंडे ही ओपन होगा, और दूसरा है कि वीकेंड में पार्टी होगा, तो वीकेंड में एंजॉयमेंट होगा, इसके लिए तो मंडे उतना अग्रेसिव में ट्रेड नहीं करेंगे, मंडे में नॉर्मल से ट्रेड करेंगे। लेकिन ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे में बहुत अग्रेसिव से ट्रेड करेंगे, और ज्यादा लोग यही दिन में ट्रेड करेंगे, और मार्केट भी बहुत वॉलेटाइल होगा ये 3 दिन में। अगर आप फ्राइडे तो देखिए, तो फ्राइडे तो वीकेंड हो रहा है, तो इसके लिए तो फ्राइडे लोग पैक करेंगे वीकेंड जाने के लिए, तो इसके लिए फ्राइडे का भी कम होगा ट्रेड पोजिशन के लिए। तो बेस्ट डेज टू ट्रेड अगर आप पूछे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यही है सबसे अच्छा दिन है ट्रेड करने, ये 3 दिन में आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो शॉर्ट टर्म में पोजीशन लेना चाहते हैं तो ट्यूसडे में ट्रेड करके थर्सडे में आप एग्जिट कर सकते हैं। चलो हम रिकैप देख सकते हैं कि आज का वीडियो पर हमने क्या क्या देखा। ट्रेडिंग सेशंस होता है, 4 ट्रेडिंग सेशंस है, सिडनी, टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क। इसमें लंदन ही बहुत वॉलेटाइल सेशन है, बहुत ज्यादा लोग लंदन सेशन पर ही ट्रेड करेंगे, और लंदन और न्यूयॉर्क का ओवरलैपिंग सेशन ही बहुत ज्यादा लोग ट्रेड करेंगे, क्योंकि मेजर इंस्टीट्यूशंस लोग लंदन पर है, इसके लिए तो ये सेशन बहुत वॉलेटाइल सेशन है। तो कौन सा है अच्छा दिन ट्रेड करने के लिए? तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये सबसे वॉलेटाइल डेज है ट्रेड करने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए। अगला वीडियो पर मैं आपको इंपॉर्टेंट की टर्म्स यूज्ड इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, इसके बारे में आपको बता दूंगा। हमारे वीडियो पर लाइक करना और हमारा चैनल पर सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई संदेह है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगला वीडियो पर हम देखते हैं। थैंक यू दोस्तों।